अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर कॉमर्स चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपके साथ लास्ट लेक्चर में क्वांटिटेटिव डेटा को डिस्कस किया था, क्वांटिटेटिव डेटा की भी जो दो टाइप्स थी, जिसमें टाइप नंबर 1 हमारी डिस्क्रीट डेटा थी, टाइप नंबर 2 कंटीन्यूअस डेटा थी, जिसका हमने ट्रीटमेंट सीखा, हमने उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा और उससे रिलेटेड और भी कुछ डिस्क्रिप्टिव टूल्स अप्लाई किए, जिनमें हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मौजूद था, जिसमें हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन का कॉन्सेप्ट मौजूद था, हमारे पास क्लास बाउंड्री मौजूद थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज हमारे पास मौजूद थी और हमने मिड पॉइंट निकालना सीखा था। फिर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने आपको दोनों की क्लास बाउंड्री, डिस्क्रीट डेटा और कंटीन्यूअस डेटा की क्लास बाउंड्री निकालने का जो डिफरेंस था वो भी आपको बताया। और अब आपके साथ जो प्रॉब्लम हम लेकर हाजिर हुए हैं वो है आपकी क्वालिटेटिव डेटा से रिलेटेड, कि अगर आपको डेटा क्वालिटेटिव नेचर का गिवन हो तो किस तरीके से आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को निकालना सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन को एक क्विक रिव्यू देते हैं और फिर आपसे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बात करेंगे। और फिर ये कहता है क्वेश्चन कि अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ फूड रेस्टोरेंट टू फाइंड आउट द ओपिनियन ऑफ 20 पीपल रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ इट्स फूड। यानी कि एक रेस्टोरेंट है जो अपनी फूड क्वालिटी के हवाले से फीडबैक ले रहा है और तकरीबन 20 लोगों से इन्होंने इस बात के ऊपर दरियाफ्त किया और फिर द क्वालिटी ऑफ द फूड इज रेटेड ऑन स्केल ऑफ गुड, जिसको हमने डोनेट किया है जी। फिर उसके बाद एवरेज जो फूड है उसको हमने ए डोनेट किया है और ब्लू एवरेज को हमने पी डोनेट किया है। और फिर उसके बाद हमें उन 20 पीपल का जो डेटा है, उस फीडबैक का, वो हमारे पास गिवन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये 20 बॉक्सेस आपके पास मौजूद हैं और आपको रिक्वायरमेंट में कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने की तरफ हम बढ़ जाते हैं। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे, तो अगेन यहाँ हमारे पास रेंज का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, यानी कि हमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स में क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है, जबकि हमारे पास यहाँ 3 अकसाम की क्लासेस जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस लिकर्ट स्केल के ऊपर, जिसके ऊपर फूड की क्वालिटी को मेजर किया गया है, उसमें आपको 3 अकसाम के कमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें आपके पास गुड के हवाले से मौजूद है, एवरेज फूड के हवाले से मौजूद है और ब्लो एवरेज क्वालिटी ऑफ फूड मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, यही हमारी क्लासेस हैं और जस्ट हमने इन्हीं की बेसिस के ऊपर अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बना लेना है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमें तकरीबन जो पहला कॉलम रिक्वायर्ड होता है वो हमारा क्लासेस का होता है। तो हमारे पास यहाँ 3 अकसाम की क्लासेस मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहली क्लास जो मौजूद है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्वालिटी के हिसाब से गुड की क्लास मौजूद है। फिर उसके बाद हमारे पास एवरेज की सेकंड क्लास मौजूद है और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लो एवरेज की क्लास मौजूद है। स्टूडेंट, इसी तरीके से हमें टैली मार्क्स लगाने होते हैं और लास्ट में फिर हमें उसी की बुनियाद पे फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम कि किस तरीके से यहां हम अपने टैली मार्क्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कैटेगरी हमारे पास मौजूद है वो गुड की कैटेगरी मौजूद है और जैसा कि हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हमने क्वालिटी ऑफ फूड जो कि गुड कैटेगरी की है उसको हमने जी डोनेट किया है। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास कितने जी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पास गुड क्वालिटी ऑफ फूड,
मौजूद है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक और आपके पास जी मौजूद है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, हर एक ऑब्जर्वेशन के बदले आपको एक मार्क लगाना लाजमी होता है। तो आपने एक जी के बदले एक मार्क लगाया, दूसरे जी के बदले दूसरा मार्क लगाया, फिर एक और मार्क लगेगा, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। और फिफ्थ को जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसको आपको पैकेट की सूरत दे देनी होती है, तो आपने इस मार्क को क्रॉस में लगाना है ताकि ये पैकेट की सूरत इख्तियार कर ले। और फिर स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, अगेन आपके पास एक और मौजूद है, तो आपने नए सिरे से फिर एक और मार्क लगाना है। फिर स्टूडेंट आपके पास एक और मौजूद है जी, अगेन फिर आपके पास मौजूद है जी, थर्ड मार्क, फिर उसके बाद आपके पास अगेन जी मौजूद है, फोर्थ मार्क, एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ मार्क। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपके पास डेटा में टोटल जी की तादाद कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स अब कोई भी जी का आइटम लेफ्ट ओवर नहीं है हमारे डेटा के अंदर, तो इट मींस कि हमारे पास टोटल जो तादाद है जी की वो 10 है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी 10 आ जाती है। इसी तरीके स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेंगे गुड की, तो गुड की जो क्वालिटी है हमारे पास, सॉरी जो एवरेज की बात कर लेते हैं, तो एवरेज जो हमने डोनेट किया था वो यहाँ ए से डोनेट किया था, तो हमारे पास अगेन ए मौजूद है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास एक और ए मौजूद है, फिर स्टूडेंट अगेन एक और ए मौजूद है हमारे पास, फिर स्टूडेंट एक और ए मौजूद है हमारे पास, और बस टोटल हमारे पास जो एवरेज मौजूद हैं उसकी तादाद 4 है। और फिर स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं तो ब्लो एवरेज की बात कर लेते हैं, तो ब्लो एवरेज के अंदर आपके पास जो तादाद मौजूद है जिसे हमने पी डोनेट किया था, नंबर 1, फिर उसके बाद एक और पी मौजूद है आपके पास, अगेन फिर आपके पास एक और पी मौजूद है, एक और पी मौजूद है, फिर आपके पास जो फिफ्थ पी मौजूद है, तो हमने इसको यहां फिर पैकेट की सूरत दे दी, और फिर लास्ट में हमारे पास एक और पी मौजूद है। तो ये टोटल जो मार्क्स आपके बन जाते हैं वो 6 मार्क बन जाते हैं। और आप जब इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को टोटल करते हैं जो कि आपके 20 आता है, तो एग्जैक्टली इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन थी, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ें और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हवाले से बात करें, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने आपको बताया था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो यहां हम बात कर लेते हैं कि 10 को जब हम डिवाइड करते हैं 20 से तो 0.5 आ जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट जब हम यहां 4 को डिवाइड करते हैं 20 से तो यहां हमारे पास फिर इसके बाद स्टूडेंट जब हम आगे बढ़ते हैं 6 को डिवाइड करते हैं 20 से तो ये हमारे पास जो अमाउंट बन जाती है ये 0.2 बन जाती है, और ये अमाउंट हमारे पास 0.3 बन जाती है। तो स्टूडेंट जब हम इन तीनों को आपस में टोटल करते हैं तो इनका सम भी 1 के बराबर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेक्स टोटल ऑफ 1। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर जल्दी मुलाकात होगी।
तो उसमें आपको हम मिसिंग फिगर के हवाले से डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।